आदमी पार्टी का पंजाब में रोड शो है। आज बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का पंजाब में रोड शो है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल होंगे और पंजाब के लोगों को आपकी शानदार जीत पर धन्यवाद देंगे। तो देखिए, पंजाब की जनता को आपकी शानदार जीत पर अरविंद केजरीवाल खुद धन्यवाद देंगे। देखिए, शानदार जीत पर धन्यवाद देने के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे केजरीवाल, यानी कि भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में। साथ ही साथ कई मंत्री जो शपथ लेंगे उनके भी शपथ समारोह में खुद सीएम अरविंद केजरीवाल जो हैं वो शामिल होंगे। 16 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। तो देखिए, 16 मार्च का वो दिन है, वो डेट है जो निर्धारित किया गया है भगवंत मान के शपथ ग्रहण को लेकर के। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋतिक सुमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋतिक, आज अरविंद केजरीवाल रोड शो करने वाले हैं, आपने जो शानदार जीत हासिल की है ऐसे में जनता को बधाई देने के लिए, जनता का धन्यवाद करने के लिए एक बड़ा रोड शो। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, एक ऐतिहासिक जीत है जो आने वाले वक्त में शायद ही उसको भुना पाना किसी भी अन्य राजनीतिक दल के लिए आसान होगा। देखिए, एक तरफा मुकाबला हो गया पंजाब में और 117 सीटों में से 92 सीट आम आदमी पार्टी के झोली में आई। और ये करिश्मा साल 1992 में कांग्रेस ने किया था जब लगभग 82 सीट पंजाब में कांग्रेस के खाते में आई थी। उस वक्त ये प्रचंड बहुमत जीत देखी जा रही थी कांग्रेस की और अब यही एक जीत 92 सीट को लेकर आम आदमी पार्टी की जीती जा रही है, देखी जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें पूजा की, जब से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत दर्ज की है, एक हौसला बुलंद है। अरविंद केजरीवाल का हौसला बुलंद है, भगवंत मान का हौसला बुलंद है। और देखिए, दिल्ली जाकर उन्होंने न्योता भी दिया था, 16 मार्च शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटकर कला में वो जाकर वहां पर शपथ ग्रहण करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, बहुत खूबसूरत बात है, भगवंत मान ने दो बड़े ऐलान भी किए। उन्होंने कहा है कि सरकारी दफ्तर में पंजाब में दो ही तस्वीरें लगेंगी, किसी मुख्यमंत्री की तस्वीर, यानी मैं कहने का मतलब है कि उनकी तस्वीर नहीं लगेगी, मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगेगी, तस्वीरें दो लगेंगी, शहीद आजम भगत सिंह, दूसरी भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान के निर्माता। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें जो रोड शो का जिक्र आप कर रहे हैं, अमृतसर में ये रोड शो होने वाला है और ये एक जरिया है, एक तरीका है जनता को वापस से एक रिटर्न गिफ्ट देने का। जिस तरीके से जनता ने, पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को जो समर्थन दिया है, प्यार दिया है, क्योंकि देखिए इस चुनाव में पंजाब के बड़े चेहरे धाराशाही हुए हैं। चाहे कांग्रेस की तरफ से बात कर ले, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीट नहीं बचा पाए, दोनों सीट से चरणजीत सिंह चन्नी हार गए। और उसके बाद अगर बात करें, जब भगवंत मान ने जिस तरीके से जीत हासिल की उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि जो आम लोग हैं जब वो मैदान में उतरते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो जनता कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाती है और यही वो खास वजह रही जीतने की। तो भगवंत मान ने जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की, आपने जो प्रचंड जीत हासिल की, जनता ने पूरा भरोसा जताया है, साफ जाहिर होता है। जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था कि मेरा छोटा भाई आज पंजाब में जीत दर्ज किया है और एक ट्वीट उन्होंने किया था और इसके लिए शुभकामनाएं भी उन्होंने दी थी। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं, देखिए पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान, उन्होंने अपने तमाम विधायकों से भी एक निर्देश उनको दिया, एक अपील भी साथ ही साथ की है कि आप चंडीगढ़ में वक्त कम बिताएं, अपने विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा वक्त बिताएं, वहां के गाँव के, वहां के विधानसभा क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं उसको समझें, उस पर काम, चंडीगढ़ में जाकर ज्यादा वक्त बिताएं, विधायक मंत्रियों से उनकी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पे, क्योंकि देखिए जमीन से उठकर आगे बढ़े हैं और लोगों के बीच से उठे हैं, एक आम आदमी पार्टी के एक नेता। और सबसे बड़ी बात उसने कहा है कि सभी विधायक और मंत्री जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहकर ही लोगों की समस्याओं को समझे।